शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी और लंबे समय तक एक जैसे माहौल में रहना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। दूर दूर तक फैले कंक्रीटों के जंगल में मानो जैसे दिल को सुकून सा नहीं मिलता। और फिर सुकून की इस बरसात में भीगने के लिए हम लौट आते हैं अपने गांवों की ओर। जी हाँ, उन्हीं गांवों की ओर जहाँ शांति है, सुकून है, हरे भरे जंगल हैं और अपना एक प्यारा सा घर है। मैं जानता हूँ कि शहरों में सुविधाएं ज़्यादा हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं ये जानता हूँ कि गांव में सुकून ज़्यादा है। भले ही खाने के लिए इतने सारे व्यंजन न मिलते हों जितने कि शहरों में मिलते हैं, लेकिन जो भी मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। उन पशुओं और उनके बच्चों को सहलाना, दुलारना और प्यार करना बहुत अच्छा लगता है जिन पशुओं ने हमारे पूर्वजों का साथ दिया था और जो आज भी सहचर बन करके हमारे साथ चल रहे हैं। हम सबके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है हमारे माता पिता, और जब हमें उनका सानिध्य मिलता रहता है तो इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का आखिर क्या हो सकता है। वंदना के आज की डिमांड है कि इसको किससे धोना है? सिर भीमल से। भीमल से सिर धोना है। अब भीमल के पेड़ तो हैं, लेकिन उनमें क्या है कि उनकी जो मोटी टहनियाँ हैं वो सारी काटी जा चुकी हैं गाय भैंसों के लिए, तो अब इन पे नई कोंपले उग रखी है, तो इसके लिए हमें चाहिए हार्ड सा कोई टहनी। पेड़ों में मत रखना, इसके पौधों में मत रखना पैर। यहाँ पर से जाता हूँ मैं ऊपर। तो ये हैं भीमल की कच्ची डंडियाँ, तो इनसे जो है इनके पत्तों को अलग कर दिया गया है, क्योंकि पत्तों का अभी यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है हमारे लिए। इनको हम गौ माता के लिए रख देते हैं अलग से। और ये जो डंडियाँ हैं इनको अब हम, इनके बाहर से एक छिलका रहता है उसको निकालेंगे। इसकी कुटाई करनी पड़ेगी, अभी इसको कूटना पड़ेगा इसको किसी चीज़ से। तो इसके लिए हमारे पास एक यंत्र है जिसे हम कहते हैं बंसुला। तो ये है बंसुला और इससे हम इनको कूटेंगे। अब जो इसकी असली प्रोसेस है वो है ये देखो, इनको कर दिया हमने तो इस तरह से इसका ये जो बाहर का रेशा है ये आसानी से निकल जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बन गया हमारा शैम्पू, माउंटेन शैम्पू, प्योर ऑर्गेनिक शैम्पू। तो इस तरह से इनके छिलकों को निकाल दिया जाएगा। तो ये है भीमल के बाहर के छिलके। अब इनको हम और बारीक कूटेंगे जिससे कि इनके रेशे और पतले पतले हो जाएं। तो अभी यहाँ पर धोया जा रहा है भीमल से सिर। बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे इससे बाल। पहले भी तो धोया है ना तुमने? आप ये भी शूट कर रहे हो? कर लेते हैं तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने देखा नहीं है उन तक भी तो ये संदेश पहुँचना चाहिए कि भीमल के पेड़ कितने गुणकारी होते हैं। ये है मेरे दादाजी का आलीशान घर। दादाजी लोग देहरादून रहते हैं और ये उनका घर, देखिए क्या प्यारा सा घर बना रखा है गांव में। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में, क्योंकि पिताजी गए हैं खेत में और वहाँ पर उखाड़ रखे उन्होंने कुछ मूलियाँ, तो मैं उनको लेकर के आता हूँ घर में। और ये है बेडू का एक बड़ा सा पेड़,
और इस पे पक रखे हैं बेडू, लेकिन वो काफ़ी हाइट में है तो मैं नहीं जा पाऊँगा वहाँ, लेकिन जो पास पास हैं उनको तो तोड़ ही सकते हैं। ये देखिए मस्त बेडू पक रखे हैं आजकल। यहाँ पर दो खेत हैं हमारे, एक ये वाला और एक नीचे। पिताजी कर रहे हैं इसमें कुछ काम और अब मैं भी आ गया हूँ कुछ देर के लिए। ताले आन पिताजी, ये किनार बढ़ दे हमें। हाँ, इस पूरे खेत में मिर्च बो रखे यहाँ से और यहाँ तक। ये घर हमारे घर के नीचे है और मेरे ताऊ जी लोगों का है, और जहाँ तक मुझे याद है जिन घरों को मैंने सबसे पहले से देखा है बचपन में, उन घरों में से एक घर ये भी है। और मैंने अपने जीवन में सबसे पहले सीमेंट जो है इसी घर में देखा, और 1979 में इस पर सीमेंट लग चुका था। आप सोचिए उस दौर में तो काफ़ी अच्छा घर है। तो यदि दिनेश भैया, रमेश भैया, ताऊ जी, ताई जी, सीमा भाभी जी इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो इस समय हम पूरे परिवार को याद कर रहे हैं इस प्यारे से घर को देखते हुए। तो अब मूली के इस फंची को लेकर के अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने घर की ओर, और ये पूरा चढ़ाई का रास्ता है तो इस वजह से यहाँ काफ़ी थकान लग रही है। तो ये ले आए हम मूलियाँ, इसमें कुछ पहाड़ी मूलियाँ हैं और कुछ इसी तरह से हैं लंबी लंबी मूलियाँ। तो अब इनको धोया जाएगा और फिर इनके पत्तों को अलग किया जाएगा और इस मूली के मुख्य भाग को अलग।